चैनल सो आई एम बैक विद अनदर वीडियो एंड ये वाला वीडियो होने वाला है मीशो ड्रेसेस हॉल वीडियो और इसमें मैंने मीशो के ड्रेसेस परचेस किए, 5 आइटम परचेस किए हैं और सीरियसली ये अब तक का सबसे बेस्ट होने वाला है क्योंकि आपने पिक्चर्स देख ली होंगी, थंबनेल पे आपने पिक्चर्स देख ली होगी तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं आपको बता रही हूँ ये ना टोटल 2400 में आया, ये जितना भी स्टफ आया है 5 आइटम आए जो बहुत अल्टीमेट आए हैं, फैब्रिक की क्वालिटी सब बहुत ज्यादा एंड आप मुझे जल्दी से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं पर मैंने मेंशन कर दिया है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो वीडियो स्टार्ट करता हूँ। मुझे बहुत ज्यादा मतलब ना एक तरह से ऐसा हो रहा था कि यार मैं जल्दी से आपसे शेयर करूँ क्योंकि ये वाला जो हॉल होने वाला है ये बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है और मैं सीरियसली झूठ नहीं बोल रही हूँ बिल्कुल भी, किसी भी स्टफ के बारे में मैं जितना सही होगा मैं उतना ही आपको बताऊंगी और 5 आइटम है और 2 आइटम ऐसे हैं जो सेम शेड में आए हैं और सबकी पिक्चर्स, सबके ट्राई ऑन, सबके लिंक्स और अब क्या हो गया कि मीशो में लिंक्स भी ऐड हो गए हैं तो मैं लिंक्स भी शेयर कर दूंगी तो आप वहां से जाके चेकआउट कर लेना और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है लिंक में या फिर कोड में तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ लिया करो, मैं वहां पर रिप्लाई कर देती हूँ। यहाँ पर मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता है, मेरे को दिखते नहीं है जितने भी होते कमेंट वगैरह। तो स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट आपको मैं पिक्चर यहाँ पर मेंशन कर दूंगी विद ट्राई ऑन, पूरा सबके ट्राई ऑन है इसमें और सारी बहुत अच्छी ड्रेसेज हैं। आप इसको बर्थडे के लिए भी यूज कर सकते हो, आप इसे पार्टी इवेंट के लिए भी यूज कर सकते हो, आपको जिस तरह यूज करने यूज कर सकते हो। सो ये एक तरह से वैलेंटाइन हॉल हो गया ये आपके लिए कि अगर आपको कुछ वैलेंटाइन के लिए भी वेयर करना है तो इसमें से चूज कर सकते हो। बहुत अफोर्डेबल है, बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। एक ड्रेस है व्हाइट वाली, ये जरूर 700 की है बट ये लगा लो कि 2000 से भी लाइक 2500 के अंडर में ये सारा स्टफ तो आप परचेस कर सकते हो, वैलेंटाइन के लिए भी परचेस कर सकते हो। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ फाइनली। सो स्टार्ट करते हैं इसके साथ, तो पिक्चर आप एक बार देख लो और मैंने ना सिर्फ एक बार ये ट्राई किया था कि देखते हैं कैसी आती है ड्रेस, एक बार ट्राई तो करती हूँ क्योंकि कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड हुई हूँ, लेकिन इस बार सच में ये ड्रेस ऐसी आई है, बिल्कुल सिमिलर आई है, बिल्कुल डिटो जो है वही है और शायद मैंने इसको एक्स्ट्रा स्मॉल में लिया तो थोड़ी सी इसकी लेंथ का इशू हो सकता है, बिल्कुल मतलब इतना नहीं पर एंकल लेंथ में ही आ रही है, थोड़ी सी अगर मुझे लॉन्ग में करनी होगी तो मेरे को एक साइज इसका बड़ा मंगवाना पड़ेगा, लेकिन यार ये क्या आई है, ये मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल में मंगवाई, यहाँ पर इसका एक पैच सा भी लग रहा है, एक सेकेंड आपको दिखेगा नहीं, दिखा एक्स्ट्रा स्मॉल में है ये और ये सीरियसली बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी है जैसे कि पिक्चर में सब दिखाया हुआ है। फैब्रिक की बात करूँ बहुत अल्टीमेट इसका फैब्रिक है, बहुत 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 ज्यादा अच्छा है। स्लीव्स की बात करूँ इतनी लॉन्ग में है आप सोच नहीं सकते, तो मैं आपको दिखाती हूँ ये कुछ इस तरह से वाइट शेड में आई है, इसमें कोई कलर ऑप्शन नहीं है और इसमें आपको साइजेस बहुत सारे मिल जाएंगे। मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल लिया है, मैंने ट्राई किया है कि कैसा आता है कैसा नहीं आता, ये बिल्कुल परफेक्टली फिट आया है एंड इसकी स्लीव्स बहुत ज्यादा बलून में आई है और बहुत लॉन्ग में आई है, प्रॉपर आपको फुल स्लीव्स आएगी इसमें, बहुत लॉन्ग में मिलेगी एंड फ्रंट से आप इसका देखोगे तो नेक आपको वी नेक मिलेगा, बहुत डीप होने वाला है। तो मैंने ये वाली जो इनर है ये इसके अंदर वेयर की है, सो आप भी अपने अकॉर्डिंग कोई भी इनर वेयर कर सकते हो या फिर अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप कैसे भी वेयर कर सकते हो इसको। और इसमें जो लुक है वो बीच में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा गैप है, ये सर्कल सा बनाया हुआ है एंड साइड में कटआउट वाला पैटर्न दिया हुआ है, साइड में यहाँ से बिल्कुल कटआउट आएगा, ये आपको ट्रायल ऑन में दिखेगा और इतना अल्टीमेट है। और ये ना नीचे से है ना इसमें थोड़ा सा स्लिट भी दिया हुआ है इन्होंने अच्छा सा, मतलब आपको लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा सा स्लिट मिलेगा, इतना अल्टीमेट इसका फिटिंग है, इतनी सुंदर ये लग रही है, मतलब मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी। ये एक ऐसी ड्रेस है जो 700 में आई थी, बाकी तो 300-500 ऐसे में आई है बट क्वालिटी बोलूँ बहुत ज्यादा अमेजिंग क्वालिटी है, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग क्वालिटी है। फैब्रिक बहुत ज्यादा स्ट्रेचेबल है, बिल्कुल व्हाइट शेड में है, बिल्कुल जो स्टिचिंग है प्रॉपर है, मतलब आप ये बोल सकते हो कि ये वाला जो फैब्रिक है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना अर्बैनिक से है बट इतना कम प्राइस में इतना अच्छा आपको मतलब स्टफ मिल रहा है तो आप एक बार ट्राई जरूर करना। और व्हाइट शेड अगर आप करोगे तो भी अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं है कि पिंक या रेड ही करना है, व्हाइट शेड भी इंक्लूड करोगे तो भी सुंदर लगेगा, अगर आपको कोई पार्टी वगैरह में जाना तो सबसे बेस्ट है व्हाइट शेड, ये बहुत एलिगेंट सा लगता है, बहुत सिंपल सोवर भी आ जाता है, लुक दोनों मतलब मेंटेन करके चलता है और इसमें लुक जो बनेगा ना वो बहुत ज्यादा अच्छा बनेगा। बस मैं ना इसको एक्सचेंज करके मीडियम मंगवाऊंगी बट ये वाली ड्रेस मैंने रखी है और ये आप मुझे बहुत जल्द देखोगे कहीं पे, मैं वेयर करूंगी सोच रही हूँ कहाँ पर वेयर करूँ बट आप मुझे जरूर देखोगे इस ड्रेस में और मैं बोल रही हूँ ये इतनी ज्यादा सुंदर ड्रेस है, एक बार ट्राई जरूर करना, जरूर 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 करना, मेरे लिए तो एक बार कर लेना अगर करो तो, बहुत ज्यादा अच्छी है, एक बार परचेस करके देखना, बहुत अफोर्डेबल है, सारी ड्रेसेस बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, आप परचेस कर सकते हो, बहुत लॉन्ग में है, एक्स्ट्रा स्मॉल में ड्रेस में साइज है और ये आपको थोड़ी बहुत एंकल आ जाएगी अगर आपने छोटा साइज मंगवाया तो। मैंने छोटा साइज मंगवाया एक्स्ट्रा स्मॉल जिससे फिट आए, फिट एकदम
इतना अल्टीमेट आ रहा है और ऐसा भी नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा बिच रही हूं मैं या फिर बहुत ज्यादा टाइट आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत कंफर्टेबल है, बहुत अच्छा फैब्रिक है, मटेरियल क्वालिटी A1। सो बात करते हैं इसकी। ओ ये ड्रेस मैं आपको बताती हूँ, ये सेम ड्रेस आपको ना अर्बैनिक पे मिलेगी। एंड एक बार मेरे लिए ट्राई करके देखना अर्बैनिक से वो ड्रेस, वो 800 and 900 समथिंग में कुछ है या फिर 1011 समथिंग में कुछ वो ड्रेस है, ठीक है। और वो मैं वेयर नहीं कर पाई थी क्योंकि वो इतनी ज़्यादा लूज आ रही थी, ऐसे लटक सी रही थी, ठीक है। उसे मैंने बहुत सारी पिक्चर्स भी क्लिक की थी, अगर होगी तो मैं एक बार मैंशन ज़रूर करूँगी यहाँ पर साइड में। बट मैं बता रही हूँ, ये आप देखो बैक से ये कुछ इस तरह से है एंड फ्रंट से ये कुछ इस तरह से है, बट ये जो लग रही है इतनी ज़्यादा सुंदर ड्रेस और इतना अच्छा मटेरियल इसका, फैब्रिक मटेरियल इतना ज़्यादा अच्छा है। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये कोई मैंने कोलैबोरेशन नहीं किया, ये सिर्फ मेरा जेन्युइन एक रिव्यू है। क्योंकि इस ड्रेस का मैं आपको बता रही हूँ, एक तो फिट इतना अमेजिंग है, एक्स्ट्रा स्मॉल ने लिया है, बहुत सही चीज़ है। क्योंकि ये इतना परफेक्टली, मैं आपको डिटेल में एक एक जो है ना पूरा ट्रायल ऑन आपको डिटेल में साइड साइड से भी दिखाऊंगी पूरा कि ये इसकी फिटिंग कितनी अल्टीमेट आई है। इसमें आपको फ्रंट में राउंड नेक मिल जाएगा एंड बैक से ये पूरा बैकलेस में आएगा। इतना सुंदर इसका व्यू, मतलब इतना सुंदर इसका पैटर्न है पूरा, और यहाँ से पूरा बॉडीकॉन ड्रेस है ये। और इसमें सिर्फ एक शेड यही था और व्हाइट में भी सिर्फ एक शेड यही था। मैं बोल रही हूँ यार, ये वाली तो शायद से 399 में थी, है ना, या 500 में लगा लो लास्ट, ठीक है। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कितना है, बट आपको मैं मेंशन करूंगी ना, जब मेरे पास स्क्रीनशॉट उसमें आपको दिख जाएगा। बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैं जितना इनके लिए बोलूँ बहुत है। बार हुआ है कि मैंने मीशो की सारी ड्रेसेस चेक की हैं एक एक, सिर्फ इसको मैं को ना इसको चेक करना था। मैंने इसको जब मैंने इसकी फिटिंग देखी ना, क्योंकि मैंने ये जो है ना, मैंने चार ड्रेसेस जो है मैंने एक ही साइड से मंगाई है, एक ही सेलर से ली है, तो उनका फिट इतना अमेजिंग आया। और जो फिफ्थ है वो भी बहुत अच्छी है, बट जो इनका फिट है ना वो मैच ही नहीं कर सकता कोई यार, बहुत अल्टीमेट फिट है। और मतलब जिस तरह से भी इन्होंने किया है बहुत अच्छा है। स्टिचिंग आप अगर देखोगे ना, देखो मैं आपसे दिखाती हूँ, स्टिचिंग की क्वालिटी देखो कितनी ज़्यादा अच्छी है। मैं आपसे बिल्कुल पास से दिखा रही हूँ जिससे कि आपको कोई डाउट नहीं रहे, ठीक है। दिख रहा है आपको ये थोड़ा सा, मैंने अब दिख सकता है, ठीक है। तो क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ट्राय ऑन देखना, ट्राय ऑन में अगर आपको मेरे को लग रहा, अगर आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो ट्राय ऑन जरूर देखना एक बार। ट्राय ऑन में आप बोलोगे कि यार मानसी क्या लिया है, तो आज थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है क्योंकि इसकी डिटेल बता रहे हैं, मुझे इतना मज़ा आ रहा है कि यार ये फैब्रिक सच में अच्छा है, तो ट्राई कर सकते हो। तो मैंने इसी सेलर से मैंने और भी स्टफ मंगवाया है, तो उसके लिए वेट करना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो, ठीक है। सो नेक्स्ट है सेम, जैसे मैंने बताया था कि मैंने दो शेड में सेम ही मंगवा लिए थे क्योंकि इनका शेड ये वाला है और सबसे प्यारा है, बहुत प्यारा शेड है यार ये। सो आपको पिक्चर दिखेगी, इसमें ब्लैक था और पता है एक जो है वो मेरे पास सेम आ गया, मतलब जैसे ये ग्रीन में है वैसा ब्लैक में आ गया, पर मैंने मंगवाया कुछ और था, शायद से वो उनके पास नहीं होगा तो इन्होंने ये ब्लैक में भेज दिया। बट आप देख लो लुक इसका, ये ब्लैक वाले का सेम ही है। सो फर्स्ट हमें जो मिलता है वो टॉप मिलता है और ये मीडियम में है क्योंकि ब्लैक वाला खत्म हो गया था, बट इन्होंने ब्लैक भेज दिया मुझे एक्स्ट्रा स्मॉल में। इट्स ओके, तो ये कुछ इस तरह से आएगा टॉप, आपको फ्रंट से कुछ इस तरह से दिखेगा और नीचे से ना ये थोड़ा सा बेल्ट टाइप में और साइड में कटआउट वाला पैटर्न आएगा और बैक से बिल्कुल बैकलेस आएगा, मतलब क्रिस क्रॉस में आएगा। बहुत प्यारा सा ये लग रहा है, बहुत स्ट्रेचेबल है, फैब्रिक की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। स्ट्रेचेबल देखो कितना ज़्यादा है, ये मीडियम में है और देखो कुछ पीछे से कुछ इस तरह से आएगा। और इसकी स्कर्ट मुझे इतनी कुछ खास लगी नहीं, बट ओवरऑल जो मैं बता रही हूँ फैब्रिक वगैरह सब बहुत अच्छा है, बट मुझे इसकी स्कर्ट थोड़ी सी अलग भी लगी है, ऐसा नहीं है अलग है, थोड़ी सी डिफरेंट है। और इसमें ना ऐसे स्लिट दिया हुआ है, बिल्कुल यहाँ से दिया हुआ है, प्रॉपर स्लिट वैसे नहीं वाला नहीं है, बट इसमें ऐसे करके और ऐसे आएगा, मैं आपको एक दिखा दूंगी, ये ना ऐसे आएगा स्लिट इसका। और ये भी थोड़ी सी, ये पूरी प्रॉपर लॉन्ग में नहीं आएगी, ये शॉर्ट में आएगी, ये आपको नीज तक आ जाएगी अच्छे से, पूरी हाई वेस्ट वेयर करोगे तो। इसके साथ भी आप व्हाइट कलर का टॉप वेयर कर सकते हो, कोई भी अच्छा सा सुंदर सा अगर आपके है आपके पास कोई हो ऑब्वियसली, तो ट्राई कर सकते हो स्कर्ट को अलग अलग तरीके से। बट मेरा मन ये था कि मैं इसको ना क्रॉप में करूँ क्योंकि मुझे ये वाला जो पैटर्न है नहीं पसंद नहीं आया। तो इसमें से क्या है कि मैंने ये रखी नहीं क्योंकि मुझे इसका स्कर्ट का पैटर्न इतना कुछ खास पसंद आया नहीं है। बाकी मैंने ये दो ड्रेस और एक जो फिफ्थ ड्रेस मैंने वो रखी है क्योंकि इन दोनों की स्कर्ट का मुझे कुछ इतना अच्छा खास लगा नहीं, तो इस वजह से मैंने ये रखा नहीं। बट मुझे जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है, पिक्चर अगर आप देखोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट वही है जैसे दिखाया गया है और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, स्ट्रेचेबल देख सकते हो कितनी ज़्यादा है, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। ऐसे ये ब्लैक में आया है, मैं आपको ब्लैक का भी दिखा देती हूँ, ब्लैक में भी बिल्कुल सेम डिटो यही है। आप ट्राई करना, आपको जो अच्छा लग रहा है पिक्चर में आप वो परचेज करो। तो ये कुछ इस तरह से है, ये छोटा है तो ऑब्वियसली छोटा ही आएगा। तो ये ब्लैक में इसका टॉप है और ये इसकी स्कर्ट है,
और अगर मैं बात करूँ इसके फैब्रिक की, तो ये वाला फैब्रिक थोड़ा सा थिक वाला फैब्रिक है, नहीं नहीं सेम फैब्रिक है, ये भी अच्छा है, ब्लैक में मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं ब्लैक में इसको रख लूंगी, बट देखते भी क्या होता है। तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा आया फैब्रिक, ये वाला ब्लैक वाला मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है वैसे, मैं ट्राई करूंगी कि मैं ब्लैक वाला रखूँ, क्योंकि मुझे ब्लैक वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो ब्लैक वाला ट्राई करते रख के, तो मैं जरूर बताऊंगी कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा। अभी तो मुझे अच्छा ही लग रहा है, दिखने में भी अच्छा लग रहा है, लुक भी अच्छा आ रहा है इसका, और ट्राई ऑन तो आप देखोगे तो आप खुद बोलोगे हाँ अच्छा है, मटेरियल अच्छा है। सो बात करते हैं लास्ट फाइनल जो है, तो पिक्चर आपको दिख जाएगी एग्जैक्ट जैसे पिक्चर में है। मुझे ऐसा लगा था कि ये कॉटन वाइज आएगा जैसा कि ये वाला है, और ये वाला मत पूछना, ये क्रीप में है शायद से, बट इस तरह का फैब्रिक आता तो भी अच्छा लगता, बट अब जो फैब्रिक आया वो भी अच्छा है, मुझे पता नहीं फैब्रिक कौन सा है, तो मैं मेंशन कर दूंगी। और ये वाला मैंने अभी, इसका हॉल आ जाएगा इसके बाद में, तो वेट करना उसके लिए। सो आपको पिक्चर दिख गई होगी, पिक्चर दिखने के बाद में आपको ट्रायन भी दिख गया होगा, और ट्रायन में आपको कुछ इस तरह का एक टॉप दिखा होगा। इसको मैंने क्रॉप किया, ये दोनों सेम दिख रहे हैं ना, ये मैंने अलग साइड से लिया है, ये मैंने बीचों से लिया है, तो ये आपको बहुत ज्यादा लॉन्ग में आएगा। लॉन्ग में मेरे को ना वो इसका कुछ जो पैटर्न था ना, आप अगर पिक्चर वाइज देखोगे तो मुझे वो क्रिएट करना था, तो वो बन नहीं रहा था, क्योंकि इसका जो टॉप है ये इतना ज्यादा लॉन्ग में था, ठीक है, तो मैंने उसको क्रॉप किया है, आप देख सकते हो मैंने स्टिचिंग की है, इस पर हुई नहीं, पहली बात तो फैब्रिक ऐसा है, इस पर स्टिचिंग अच्छे से हुई नहीं, देखो कैसे कैसे निकल रहे हैं, ठीक है, तो प्रॉपर हुई नहीं, पर मैंने करने की कोशिश की थी, ये फैब्रिक थोड़ा सा ऐसा ही है। तो इसका टॉप है ये बहुत प्यारा क्यूट सा टॉप है, बहुत समरी सी मुझे वाइब दे रहा था, तो मैंने ये वाला रखने की सोचा है, बहुत कम प्राइस में 399 से भी कम में है ये। सो ये इसका टॉप है, और एक्स्ट्रा स्मॉल में मंगवाने के बाद भी इतना बड़ा टॉप आया है। तो स्कर्ट जब मैंने पहनी थी तो वो स्कर्ट को उसने कवर कर लिया था, क्रॉप नहीं बन रहा था, तो इस वजह से मैंने इसको क्रॉप किया है टॉप को। और स्कर्ट देखोगे तो स्कर्ट काफी ज्यादा लॉन्ग में है, काफी ज्यादा अच्छी है, और यहाँ पर छोटू सा स्लिट दिया है। फैब्रिक की क्वालिटी काफी अच्छी है, बहुत अफोर्डेबल है, बहुत रीजनेबल प्राइस में आपको मिल रही है ये ड्रेसेस। तो अगर आप परचेज करना चाहते हो तो मैं अगर आपको सजेस्ट करूँ तो आप ये वाली, ब्लू वाली, ब्लैक वाली और व्हाइट वाली, और मतलब चारों आप परचेज कर सकते हैं, सारे सेम ही हैं और अच्छे भी लग रहे हैं, मतलब लुक भी डिफरेंट है। और आप ये अल्बैनिक से कुछ ऑर्डर करने के लिए तो आप मीशो से ये वाली ड्रेसेस एक बार ट्राई करके देखना, आपको जरूर अच्छी लगने वाली है। सो मेरे को तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था ये स्टफ, और मैंने इनमें से तो तीन या चार चीज़ें तो रखी हैं, मुझे भी कन्फर्म नहीं होगी मैं ब्लैक वाला रखूंगी या नहीं, बट मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी एक एक पिक्चर, एक बार एक एक वीडियो। ये अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड। Bye.